Me too, every relative came to see me in my home. अरे इतनी जल्दी आ गया पैसा लाया Everyone said नहीं म्यूजिक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक, और इसके बाद आपके भाई ने नए कपड़े पहन लिए हैं जनाब, और अब हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ईद की, तो उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, तो ईद की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दरबार पे। हम अपने बुज़ुर्गों को सलाम करेंगे, उनको ईद मुबारक कहेंगे, उसके बाद हम चलेंगे घर और वहाँ फिर हम सबको ईद मुबारक कहेंगे। ठीक है, चलिए दरबार पे चलते हैं। वो तन्हा कौन है बादशाह, वो कौन है ओ मेरी बा, वो कौन है, क्या ऊंची शान है, अल्लाह हू अल्लाह, उसकी सपनी शान है, अल्लाह हू अल्लाह, सब दिलों की जान है, सब लोग अपने प्यारों की कब्रों पे सलाम करने आए हैं, उनको एक बार ईद मुबारक कहने आए हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं, दादा जान की खबर है ये, ईद मुबारक दादा। वक्त हमेशा गुजर जाता है जैसा भी हो, फिर इंसान बैठ के याद करता है कि यार ये शख्स भी हो करता था, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोग साथ हैं तो प्यार बांटें, नफरतें नहीं। ईद मुबारक। सो आई एम बैक गाइस फ्रॉम द मस्जिद। अब ऐसा करेंगे कि सबको ईद मिलने चलेंगे और उसके बाद ईदी भी लेंगे, तो बगैर देर किए चलते हैं। चलें, जाने से पहले आपको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाता हूँ, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद का गिफ्ट ये होगा कि मैं हेरा फेरी से अक्षय का वो स्टाइल कॉपी करूँगा जो बहुत मशहूर है। जी हाँ, ये वाला स्टाइल। लेट्स सी कि मैं कैसे करता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, गुड इवनिंग। यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भी सो के उठाऊँ, तो यही थी हमारी ईद। लॉकडाउन में बंदा और क्या कर सकता है, कहीं जा तो सकते नहीं अब, तो ईद तो घर रह के मनानी पड़ेगी। तो एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने टाइम को ऐसे गुजारें कि ना किसी से गिले हो, ना किसी से शिकवे हो, ना दिल में कोई बातें रखें, जो भी बात आपको ख़त्म करें, किसी से कोई नाराज़गी चल रही है उसको आप ख़त्म करें। ईद का मकसद खुशियाँ बाँटना है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप खुशियाँ बांटते हैं, लोगों से मिलते हैं, सारी नाराज़गियाँ दूर करते हैं। और विश यू अ हैप्पी ईद, मेरी तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, तो इट वॉज़ टू शॉर्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसलिए इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे लॉकडाउन के बाद एक अच्छे से व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग के साथ। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।